हे गाइस, कैसे हो आप लोग? होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आपको दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश ईटानगर जाना है तो कैसे जाएंगे, बाय ट्रेन। एक्चुअली बाय फ्लाइट तो आप जा सकते हैं, दिल्ली से फ्लाइट लेंगे या तो आप सीधा जाइए ईटानगर, होलंगे एयरपोर्ट पर उतरिए जाके, या फिर आप दिल्ली से फ्लाइट लीजिए, आप गुवाहाटी उतर सकते हैं। ठीक है, गुवाहाटी जाएंगे तो गुवाहाटी से आपको ट्रेन लेना पड़ेगा जो रात को 11 बजे मिलता है और सुबह को मॉर्निंग पहुँचा देता है ईटानगर। ये तो हो गया बाय फ्लाइट। और बाय ट्रेन आपको दिल्ली से अगर जाना है तो आपको आना पड़ेगा आनंद विहार रेलवे स्टेशन, दिल्ली में है जो कि, और आनंद विहार रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन जाता है जो कि नाम है अरुणाचल एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो आनंद विहार रेलवे स्टेशन से चलती है 4:45 PM पे, और वो आज फुल नाइट, वही 2 नाइट चलेगा और 1 डे। तो कल परसों को मॉर्निंग में अराउंड 6 or 7 AM पे वो पहुंचा देता है नाहरलगुन। नाहरलगुन मीन्स के ईटानगर में ही है और अरुणाचल प्रदेश, तो ऐसे आप जा सकते हैं। तो आज प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रेन कहाँ कहाँ जाएगा, कैसे कैसे जाएगा, और फाइनली आपको ईटानगर पहुँच के क्या करना है। अगर आपको NIT में जाना है तो NIT में कैसे जाएंगे नाहरलगुन से, वो वहीं पहुँच के बताऊँगा। अभी तो मैं ये आप देखिए आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर हूँ और मेरा ट्रेन डिपार्चर हो गया यहाँ से 4:45 पे। तो वीडियो को पूरा देखिए और जर्नी का मज़ा लीजिए। तो आगे का प्रोसेस बताऊंगा मैं इसी वीडियो में, वीडियो को पूरा देखना। और पूरा देखने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि बहुत लंबा लाइन लगता है आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे एंट्री मारने के लिए, चेकिंग होता है तो बहुत लंबा लाइन लगता है। देखो जैसे आप लाइन देखो ना, ये पूरा लाइन लगा हुआ है एंट्री के लिए अंदर। और सामने यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, तो आनंद विहार मेट्रो स्टेशन पे कैसे आना है आपको, आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे कैसे आना है बाय मेट्रो। अगर आप नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली या निजामुद्दीन से आ रहे हैं तो आप मेट्रो का मैप देख लीजिए, और मेट्रो का मैप देख के आप लोग अकॉर्डिंग टू दैट मैप यू कैन कम टू आनंद विहार रेलवे स्टेशन। ओके, यहाँ का प्रोसेस जो है वो आपको जाना कैसे अरुणाचल प्रदेश, तो वो तो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला ही हूँ। बाकी नॉर्मली जो बता दिया हूँ मैं आपको कैसे कैसे क्या करना है, तो फाइनली जब हमारा जर्नी स्टार्ट होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो में आप पूरा बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, पूरा मज़ा लीजिए, और मैं दिखाऊंगा आपको नाहरलगुन किस टाइम पहुंचती है मीन्स ईटानगर, और वहां से आपको ईटानगर या फिर NIT अरुणाचल प्रदेश, या फिर आपको तवांग जाना है, कहीं भी जाना है तो कैसे जाएंगे, वो मैं एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो में बने रहिए, और अभी मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ जब तक कि मेरा ट्रेन चलेगा नहीं। ट्रेन का टाइमिंग तो 4:45 है, जब तक के मैं थोड़ा आराम करता हूँ, मिलते हैं जस्ट। तो गाइस अभी चलते हैं अंदर और थोड़ा बैठते हैं, देखते हैं ट्रेन लग गया कि नहीं लग गया। ट्रेन लगता है ये हमेशा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगता है अरुणाचल एसी सुपरफास्ट। चलते हैं अभी अंदर, देखते हैं। तो अभी बैग चेकिंग हो रहा है, जल्दी में रहते हैं कि जल्दी उठाओ जल्दी उठाओ। तो अभी चेकिंग तो हो गया है और अब मेरे को आपको दिखा देता हूँ रेलवे स्टेशन, आनंद विहार रेलवे स्टेशन कैसा है। अभी ट्रेन नहीं लगी हमारी, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही लगती है हमेशा अरुणाचल एसी सुपरफास्ट। ये है रेलवे स्टेशन, लुकिंग लाइक ए एयरपोर्ट। देखिए फोटोग्राफी चल रहा है इधर, और जो भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे आता है फोटोग्राफी वो करता है, क्योंकि मैं भी जब फर्स्ट टाइम आया था फोटोग्राफी मैंने भी किया था। देखिए यहाँ फोटोग्राफी चल रहा है, एक्चुअल में लुकिंग है ही इसी रेलवे स्टेशन का ऐसा कि फील होगा आपको कि आप कहीं एयरपोर्ट पे हैं। सो गाइज, मैं एंट्री मार चुका हूँ ट्रेन में और ट्रेन डिपार्टर होने वाला है 4:45 पे। बाकी आगे प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा क्या रहेगा। तो ये मेरा सीट है 47। सो गाइज, फाइनली ट्रेन डिपार्चर हो चुकी है आनंद विहार रेलवे स्टेशन से टूवर्ड्स ईटानगर नाहरलगुन,
और अभी सीधा कानपुर जाकर करी, कानपुर से फिर लखनऊ, गोरखपुर, देन बिहार में घुस जाएगी, बिहार में चले के लगभग एक दिन, फिर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से आसाम, देन अरुणाचल प्रदेश। तो बने रहिए वीडियो में, दिखाते हैं आपको कानपुर रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन वहाँ पहुँचेंगे रात को 9 बजे। सो गाइस, ट्रेन अभी क्रॉस कर रही है दादरी से, जो कि गाज़ियाबाद के बाद स्टेशन पड़ता है दादरी, और इसका स्टॉपेज सिर्फ दिल्ली आर्मीयार से पहला स्टॉपेज जो है वो कानपुर सेंट्रल है, गाज़ियाबाद को होते हुए जाती है लेकिन रुकती नहीं, गाज़ियाबाद और अलीगढ़ ये जो बड़े बड़े स्टेशन है वहाँ भी नहीं रुकती, ये सीधा पहला जो स्टॉप होगा उसका वो कानपुर सेंट्रल होगा। फाइनली हम पहुंच चुके हैं कानपुर सेंट्रल, और यहाँ पे इसका पहुंचने का टाइमिंग है 9:40, लेकिन ये अभी 20 मिनट लेट पहुंची है, तो 10 PM पे पहुंची है। और ये जो है सीधा आनंद विहार दिल्ली से चल के ट्रेन, सीधा पहला जो स्टॉपेज होता है इसका वो आनंद, ये कानपुर सेंट्रल ही होता है, इसके बीच में कहीं नहीं रुकती है, पूरा नॉन स्टॉप चलती है, और ये 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है आनंद विहार से कानपुर सेंट्रल, और उसको जस्ट 4 घंटे में कवर कर देती है। मैं आपको नंबर दिखा देता हूँ, 22412, ये तो आनंद विहार से नाहरलगुन जाने का है, और 22411 है आपका नाहरलगुन से आनंद विहार, जो आप देख रहे हैं। तो अब यहाँ के बाद ये ट्रेन रुकेगा जाके लखनऊ, लखनऊ के बाद गोरखपुर, ये सीधा बिहार में एंट्री मार देगा। जैसे यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है इसका। तो यार मैं भी सो के उठाऊँ तो देखा ट्रेन पहुँचा है हाजीपुर, और अभी 1 घंटा लेट चल रहा है ट्रेन, जबकि यहाँ पहुँचने का टाइमिंग 7 बजे का था, 7 AM, लेकिन अभी 8 बज चुका है, तो 8 बजे भी हाजीपुर पहुँची है ट्रेन, और आज पूरा दिन चलेगी ट्रेन, पूरा चलेगी, कल मॉर्निंग में हमें नाहरलगुन पहुँचाएगी। तो वीडियो में बने रहिए, मैं तो ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेता हूँ। सो गाइस, ट्रेन अभी पहुंची थी कटिहार, वहाँ पे तो मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मुझे कुछ सामान खरीदना था वहाँ पे, और जस्ट 5 मिनट का होल्ड था वहाँ पे ट्रेन का, क्योंकि वो 5 मिनट से भी कम ही रुकी है, क्योंकि पहले से आधा घंटा लेट चल रही है ट्रेन, और यहाँ पहुँचने का टाइमिंग है 1:30, लेकिन 2 बजे ट्रेन पहुँची है कटिहार में। तो फाइनली डिपार्चर हो चुकी है कटिहार से, और नेक्स्ट स्टॉपेज जो है इसका वो NGP न्यू जलपाईगुड़ी, अब वहाँ पर रुकेगी अराउंड 5:30 बजे वहाँ पर पहुँचेगी। ठीक है, बने रहिए वीडियो में, ये रूट किधर जा रहा है ये तो नहीं पता मेरे को, शायद वेस्ट बंगाल में जा रहा है इस तरफ, तो वीडियो में बने रहिए। अभी आपको NGP का जो रेलवे स्टेशन वो दिखाऊंगा, और वो बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, और नॉर्थ ईस्ट का जो है
एक वो जंक्शन मान लीजिए इसको, इसका नॉर्थ ईस्ट की जितनी ट्रेनें हैं पहले वो आएंगी NGP, देन NGP के बाद ही वो उनके रूट अलग अलग डाइवर्ट होते हैं। गाइस फाइनली ट्रेन पहुंच चुकी है NGP और यहां पहुंचने का टाइमिंग है इसका 4:50 और ऑन टाइम पहुंची है यहां पे। और यहां पे होल्ड होता है इसका 10 मिनट का। अब यहां से निकल जाएगी 5 बजे और अभी और भी मेरे को 12 से 13 घंटा लगेगा नाहरलगुन ईटानगर पहुंचने में। तो वीडियो में बने रहिए, एंड ऑफ द जर्नी क्या होने वाला है, अब बाहर कहीं निकलना है आपको नाहरलगुन रेलवे स्टेशन से, वो पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊँ। क्योंकि वहाँ पर आप ऐसा नहीं है कि कहीं पे स्टेशन पे गए और आसानी से बाहर निकल जाएँ, क्योंकि ILP बनवाना पड़ता है, इनर लाइन पास, वहाँ पे तभी जाके आपको निकलना होता है बाहर। तो इसका प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा, वीडियो में बने रहिए कि आपको कैसे बाहर निकलना है रेलवे स्टेशन के। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं नाहरलगुन और यहां पे एक साइड में लिखा है नाहरलगुन और एक साइड में मिलेगा आपको लिखा हुआ ईटानगर। एक्चुअली एग्जिट के टाइम भी मैं आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि मेरे को ये बस पकड़ना था और ये इस ट्रेन के पैसेंजर्स को लेने सिर्फ एक ही बस आती है जो ईटानगर जाती है, और दूसरा बस जो खड़ा है वो नाहरलगुन जाता है। तो मैं जल्दी से भाग भाग के आया क्योंकि मेरे को बस पकड़ना था, नहीं तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो फाइनली मैं बाहर निकल चुका हूँ और यहाँ पे पहुँचने का टाइमिंग 5:35 था, 5:35 AM था, लेकिन अब आज ये 20 मिनट पहले पहुँच गई ट्रेन टाइम से। तो फाइनली आज की वीडियो में इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।